नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं मनोज गुप्ता। मेरे आँख में प्रॉब्लम आ गया था। मुझे कुछ पहले तो फ्लॉट लाइट जैसा दिखाई दिया, फिर उसके बाद आधा दिखने लगा, फिर उसके बाद पूरी ही रोशनी चली गई। मैं बुरी तरह से डर गया था। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया। उस समय मैं दिल्ली में गया हुआ था और वहाँ पर मैंने चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे आँख का पर्दा उखड़ चुका है। तो उसने तो मुझे अच्छी तरह से डरा चुका था, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए एक डॉक्टर को, क्योंकि एक डॉक्टर को हौसला देना चाहिए किसी भी पेशेंट को। उसे इस तरह से नहीं बताना चाहिए जिस तरह से उस डॉक्टर ने बताया। फिर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था उस समय। फिर मैं फैसला लिया तुरंत कि मैं मुंबई आऊँगा, क्योंकि मुंबई में ही मैं रहता हूँ और मुंबई का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं तुरंत फिर वहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर एक मेरे मित्र हैं जिनका नीरज नाम है, उन्होंने भी यहीं केनिया नाम के हॉस्पिटल, जो कि सांता क्रूज मिलन सबवे के पास है, वहाँ पर इलाज कराया था। उनका अच्छी तरह से इलाज हुआ और उनकी आँख की रोशनी भी आ गई। फिर मैं यहाँ पर आकर अपनी आँख का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने, जो डॉक्टर विशाल हैं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस अवस्था में हमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जितना जल्दी ऑपरेशन कराएंगे उतनी जल्दी आँख की रोशनी आ जाती है, अन्यथा जितना विलंब करेंगे आँख की रोशनी उतनी ही कम आती है। इसलिए मैंने यथाशीघ्र यह डिसीजन ले लिया कि मुझे ऑपरेशन कराना है, विलंब नहीं करना है। मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल रहा और मुझे रोशनी की उम्मीद जाग गई। अब मेरी रोशनी बढ़ रही है धीरे धीरे, और इसमें रिकवरी में टाइम लगता है दोस्तों। मोतियाबिंद की तरह इसमें जल्दी रिकवरी नहीं होती है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। हमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं जो कि एक डॉक्टर सलाह देते हैं, और उन्हीं के परामर्श के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। आँख का पर्दा उखड़ गया इसका ये मतलब नहीं कि हमारी रोशनी चली गई। ये भ्रम हमारे मन में होना ही नहीं चाहिए। हमें उसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। एक से एक आज स्पेशलिस्ट पड़े हैं हमारे जहाँ में, तो हमें ज़रूरत है कि इन चीज़ों के बारे में हम जानें और डॉक्टर का परामर्श लें। वही जो हमें राय दें उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए और हमें अपनी आँखों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आँख, एक लोग कहते भी हैं कि आँख है तो सारा संसार है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अपनी आँखों का इलाज यथाशीघ्र और अच्छे डॉक्टर से बेहतर डॉक्टर से करवाना चाहिए, ताकि हमारी जो बाकी की ज़िंदगी है अच्छी तरह से गुजर सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर विशाल का, जिन्होंने मुझे यथाशीघ्र फैसला लेने का अवसर दिया। और मैंने तुरंत अपना भी, मेरी वाइफ जो कि लक्ष्मी गुप्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमें कहीं और नहीं जाना है, इसी हॉस्पिटल में हमें इलाज कराना है, कि क्योंकि हमें विश्वास भी था, हमारे मित्र ने सुझाव दिया था, इसलिए मैंने इसी हॉस्पिटल में इलाज करवाया अपना। आज मेरी आँख की रोशनी वापस आ गई है और इम्प्रूव हो रही है दिन ब दिन। मैं डॉक्टर विशाल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे और आप सभी का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, आप बस इस हॉस्पिटल में आइए, और आप कहीं भी जा सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा हो, लेकिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद।